हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू और ये आपका मॉड्यूल सी जो कि हमारा जेआरडी का फर्स्ट पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसी के मॉड्यूल सी का पार्ट टू। तो उसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे पार्ट मॉड्यूल सी के। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक का मतलब क्या है? स्मार्ट कार्ड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अपना फंड ट्रांसफर करना है तो इसके हेल्प से आप कर सकते हैं, जो रिटेलर चेकआउट होते हैं वहाँ पर। और ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली अपना मतलब तो रीडर रहेगा, द कार्ड इज प्लेस इन द रीडर, उसमें जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पता कर जाता है कि हाँ ये इसमें डेटा है और इतना का फंड है, तो वैसे ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक इसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या है? फंड कैन बी लोडेड इन द कार्ड फॉर यूजर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश कैन बी यूज। तो होता क्या है कि अभी आपको कहीं आप कैश लेके जा रहे हो तो रिस्की है, तो इसमें क्या होगा, फंड लोड होगा, जितना लिमिट तक फंड लोड होगा उतने तक ही आप इसमें यूज कर सकते हो, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश। इलेक्ट्रॉनिक टोकन क्या है? द प्रिंसिपल हियर इज दैट ए प्रीपेड एरिया इज अ सेट एसेट टू स्टोर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स फॉर स्पेसिफिक सर्विस। तो इसमें पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक टोकन होगा पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स आप बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस और आइटम। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स आर ऑफन यूज्ड विद पब्लिक टेलीफोन्स, पार्किंग मीटर्स, वेंडिंग मशीन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक टोकन ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा। एनी टाइम मेकिंग, हम जानते हैं कि किसी भी टाइम पे आप, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, 24 घंटे किसी भी टाइम आप अपना बैंकिंग का सर्विस यूज कर सकते हैं, वो होगा हमारा एनीवेयर बैंकिंग। एनी टाइम, सॉरी, एनीवेयर मतलब किसी भी जगह पर, आपको लोकेशन का कोई टेंशन नहीं, किसी भी जगह पर जहाँ आपको एटीएम दिखे, किसी भी ब्रांच का, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब क्या है? रिमोट बैंकिंग फैसिलिटी, कॉर्पोरेट कस्टमर भी एबल टू गेट। तो बहुत सारी जो सर्विस है वो कॉर्पोरेट कस्टमर को आसानी से देना, जैसे रिमिटेंस सर्विस हो गया, चेकबुक ऑर्डर करना, जो भी हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, तो ये सारी सर्विसेज जो हम कॉर्पोरेट कस्टमर्स को देते हैं, तो वो हमारा हो गया कॉर्पोरेट। चेक ट्रांजेक्शन, हम जानते हैं कि जो चेक है उसका फिजिकल इमेज ही, और फिजिकल इमेज नहीं जाता, तो प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल इमेज। तो जो भी ड्रॉयर ड्रॉय को भेज रहा है, ड्रॉयर जो चेक इशू करता है, ड्रॉय जिसके नाम पे चेक इशू होता है, ठीक है, तो चेक ट्रांजेक्शन में क्या, उसका जो फिजिकल इमेज है वो फिजिकल चेक ना जाए और उसकी इमेज के थ्रू ही बस पैसे का ट्रांजेक्शन हो जाए, तो वही हमारा चेक ट्रांजेक्शन हो गया। और द फिजिकल बिल भी ट्रांजेक्ट होगा। तो मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल के थ्रू आप, आजकल बहुत से हमारे मोबाइल में ऐप होती है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते, तो वही हमारा मोबाइल बैंकिंग हो गया। सो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड EFT और सिस्टम। सो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है कि जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क है जिसके थ्रू कम्युनिकेट होता है, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। सो अलग अलग कंपोनेंट है, तो पहले बोल सकते हैं ट्रांसमिशन डिवाइस या इंटरफेस इक्विपमेंट, मतलब ये इंटरफेयर करेगा, जैसे हम मॉडम बोलते हैं ना, ये क्या करता है, डिजिटल को जो एनालॉग फॉर्म है उसका कन्वर्टर का काम करता है, अगर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ताकि जो ये इंटरफेस पे काम करता है, ठीक है, जिसको मॉडम बोलते हैं। और ट्रांसमिशन मीडियम में ही आ जाएगा ट्विस्टेड वायर पेयर, ये है वायर, ठीक है। सो ट्विस्टेड टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होगी जिसके थ्रू डेटा जाएगा। कोएक्सियल में क्या होगा, एक इनर कॉपर वायर होगी, ठीक है, और जो सर्कुलर स्पेसर्स होंगे जिसकी हेल्प से ही जुड़े होंगे। तो कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा अच्छा है, और ये क्या है, ये टेक्निकल मतलब टेक्निकल ब्रेक थ्रू। और इसमें क्या है, किसके थ्रू होता है, ये हाई क्वालिटी, इसमें जो हाई क्वालिटी जो ट्रांसमिशन है, मतलब सिग्नल इन दोनों में लीकेज का प्रॉब्लम होता था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से जो ट्रांसमिशन है बहुत अच्छी हाई क्वालिटी से होगा और बहुत अच्छी स्पीड से भी होगा। और ये किसका बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर, द ट्रांसफर ऑफ डेटा इज थ्रू अ वेरी थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर विद ए बीम ऑफ लाइट, इनकी हेल्प से ये डेटा जाता है। और इट सपोर्ट डेटा रेट 2 GB/s, इस स्पीड से इसमें डेटा जाता है। और माइक्रोवेव सिस्टम, माइक्रोवेव सिग्नल्स वे भी पसस तो ऑन टू द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट में जो सिग्नल जाते हैं माइक्रोवेव के थ्रू जाते हैं। ट्रांसमिशन प्रोसेसर क्या होते हैं, स्विच इज यूज टू स्टोर एंड फॉरवर्ड डेटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल ओवर ए सिंगल, तो एक ही चैनल होगा, तो स्विच की हेल्प से जो डेटा होगा लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल में ट्रांसफर होगा। मल्टीप्लेक्स क्या होगा, सेंड मोर देन वन सिग्नल, तो एक ही सिग्नल में एक से ज़्यादा जो डेटा है, वन सिग्नल सेमटर से ओवर ए सिंगल, एक ही चैनल में एक से ज़्यादा डेटा एक बार में भेजा जाएगा मल्टीप्लेक्स की हेल्प से। फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या होते हैं, यूज टू इंटरसेप्ट एंड हैंडल कम्युनिकेशन एक्टिविटी फॉर होस्ट कंप्यूटर, ए डिवाइस लोकेटेड एट द साइट, जो होस्ट कंप्यूटर की तरफ जो कनेक्ट होगा वो होगा फ्रंट एंड प्रोसेसर। सो ट्रांसमिशन मोड 3 तरह से हो सकता है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स हाफ ड्यूप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स। सिंपल सिंप्लेक्स में क्या होगा, जो ट्रांसमिशन होगा, जो डेटा जो जाएगा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो रेडियो में होता है। जैसे कि हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, ट्रांसमिशन इज बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन, दोनों में जा सकता है लेकिन एक बार में एक ही में जाएगा, एग्जाम्पल वॉकी टॉकी हो गया। ड्यूप्लेक्स आसानी से दोनों बार में डेटा जाता है, जैसे हम लोग मोबाइल में बात करते हैं ना, हम भी चाहे बोल सकते हैं वो भी बात कर सकते हैं, तो हमारा ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, तो क्या क्या हो सकता है, चिप्स, चैप्स और चैट्स, ये 3 चीज़ें हैं, इसका फुल फॉर्म आप रख लीजिएगा। चिप्स का पूछ सकते हैं, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, चैप्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, और चैट्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम, ये 3 हैं
जिसकी हेल्प से हमारा जो क्लियरिंग है वो ऑटोमेटिक होता है। ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि एक तरह का नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारी जो क्लियरिंग है वो ऑटोमेटिक होती है। नेफ्ट हम जानते हैं सब, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसमें बैचेस होते हैं, अब जो लेटेस्ट है पहले 1-1 घंटे का बैच होता था, लेकिन अब वो आधे घंटे का हो गया और दिन में 23 बैचेस इसके होते हैं, ठीक है, आधे आधे घंटे के, और इससे मिनिमम मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और नेक्स्ट हमारा IFSC MMIC कोड में डिफरेंस किया है। जो IFSC कोड है उसको फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है और ये क्या हो किस लिए होता है, इट इज़ डिजाइन टू यूनिक आइडेंटिफाई, जो बैंक की ब्रांचेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड यूज़ होता है। सो 11 डिजिट का होता है, पहली जो 4 है उसके जो कैरेक्टर है वो बैंक का कोड दिखाता है, जो नेक्स्ट है वो एक कंट्रोल है जिसको हम 0 बोल सकते हैं, और जो लास्ट 6 है वो बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और तो पहले 4 बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट के 6 बैंक की ब्रांच, और जो 5th नंबर है वो 0 एक टाइप का कंट्रोल है। MISR हम जानते हैं ये 9 डिजिट का होता है, और ये आइडेंटिफाई द बैंक की ब्रांच, बैंक की कौन सी ब्रांच है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है। इसमें बैंक और उसके ब्रांचेस दोनों के लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, लेकिन कौन सी ये ब्रांच है, पर्टिकुलर बैंक की किस ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो हम MISR कोड, इसमें भी 9 डिजिट होते हैं, सिटी बैंक ब्रांच, जो पहले 3 डिजिट है वो सिटी को शो करता है, जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो बैंक को, और लास्ट 3 डिजिट को ब्रांच को शो करता है। सो दोनों में ही बैंक की ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है, पर जो IFSC जैसे हम NEFT या RTGS अगर सेटलमेंट करते हैं इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया, ठीक है, स्विफ्ट कोड आ जाता है अगर मैं बाहर करना है, विद इन इंडिया IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जिसको बोलते हैं, तो अगर हम NEFT या RTGS जैसे सेटलमेंट कर रहे हैं तो हमें IFSC कोड, तब वो बैंक की किस ब्रांच से पैसे को मतलब रिमिटेंस करना है, कहाँ पैसा आएगा, तो वो IFSC कोड उस तरह से बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है, जब हमें MISR और सॉरी MISR नहीं, और जब हमें किसी बैंक की NEFT या RTGS जैसे सेटलमेंट करनी होती है। लेकिन MISR कोड तब यूज़ होता है, ये भी बैंक की ब्रांच को ही आइडेंटिफाई करता है, ये सिर्फ चेक के लिए यूज़ होता है, चेक के बीच में एक 9 डिजिट का कोड दिया था जो कि हमारा MISR कोड होता है। तो डिफरेंस दोनों में यही है, दोनों आइडेंटिफाई करते हैं बैंक ब्रांच। आइडेंटिफाई करने का रीज़न क्या है, नेफ्ट में जब सेटलमेंट करनी है किस बैंक से किस बैंक पे पैसा जाएगा, और अगर RTGS कर रहे हैं तो किस बैंक से किस में जाएगा, तो IFSC हेल्प करता है। ये सिर्फ इंडिया में ही वैलिड होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, फुल फॉर्म से भी आप एड लगा सकते हैं, सिर्फ इंडिया में है। अगर आपको रिमिटेंस बाहर करनी है तो आपको स्विफ्ट कोड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम, तो उस कोड की आपको हेल्प पड़ेगी जब आप मतलब इंडिया से बाहर आप अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडिया से बाहर रिमिटेंस कुछ कर रहे हैं। सो RTGS सब हमें पता है, RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, और RTGS और नेफ्ट में डिफरेंस ये है, नेफ्ट में मिनिमम और मैक्सिमम का वो लिमिट नहीं है, लेकिन RTGS जो नेफ्ट था उसमें थोड़ा टाइम ले पाएगा क्योंकि वो बैचेस में ट्रांजेक्शन होता था, RTGS में रियल टाइम है, एक ट्रांजेक्शन आएगा तो उसी टाइम चला जाएगा, रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट होती है RTGS में, मिनिमम उसमें 2 लाख है, मैक्सिमम का उसका कोई लिमिट नहीं है, और ये जो सेटलमेंट है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। किस ब्रांच से पैसा कहाँ आना है, तो वो IFSC कोड की हेल्प से आइडेंटिफाई होता है RTGS में, और सेम नेफ्ट में भी IFSC कोड यूज़ होता है, ठीक है, बिना IFSC कोड के थ्रू के बिना आप जो हमारा RTGS है और जो नेफ्ट है उसको सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो किस ब्रांच से किस ब्रांच में पैसा जाना है वो एक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, तो IFSC कोड में ही वो इन्फॉर्मेशन रहता है, और चेक के केसेस में MISR कोड में इन्फॉर्मेशन रहता है। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज इफेक्ट बैंक। तो टॉपिक है कि जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुआ है, पहले कुछ भी कंप्यूटर नहीं थे बैंकों में, बिना कंप्यूटर के बैंक हुआ करते थे। सो अब जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, ठीक है, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बैंक है कंप्यूटर से हर बैंक में होते हैं, सो उसका बैंकों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वही हमारा टॉपिक है। सो डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब है अलग अलग सोर्स, डेटा फ्रॉम हेटरोजेनस सोर्सेज स्टोर टू जेनेटिक, तो वो सारा जो डेटा है उसको एक स्टोर किया जाता है, अलग अलग सोर्स से जो डेटा आ रहा है उसको एक जगह पर स्टोर किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपको कोई भी डेटा मिलेगा, अगर आपने वो स्टोर कर लिया तो वो डेटा वेयर हाउस हो गया। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, इट इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड एंड देर इज नो इनकंसिस्टेंस, डेटा बहुत इंटीग्रेटेड होगा और ये नॉन वोलेटाइल होगा और टाइम वेरियंट, और डेटा वेयर हाउस कैन बी एस्टैब्लिश इवन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एज वेल एज ट्रांसमिशन। सो इट कैन बी एस्टैब्लिश इवन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म एज लॉन्ग एज द ट्रांजेक्शन डिटेल्स आर मेड अवेलेबल टू द डेटा वेयर हाउस। तो होता क्या है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा डेटा अवेलेबल होता है। डेटा माइनिंग क्या है, सो डेटा माइनिंग क्या है, डेटा जो वेयर हाउस है उसी से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, इट इज़ अ टेक्निक टू रिवेल द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हिडन। जो डेटा वेयर हाउस में तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको क्या आपके काम का डेटा है, क्या ऐसा डेटा है जिसकी हेल्प से आप अपना स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, आपको जो भी स्ट्रेटेजी आपके है, तो वो डेटा माइनिंग वही है। इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग द पैटर्न्स दैट आर क्रिटिकल टू बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए कौन से पैटर्न्स हैं उसको ढूंढना, और एडवांटेजेस थ्रू इनसाइडर नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है तो उसकी हेल्प से आपको ये करना, तो शॉर्ट प्रेडिक्शन ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो जो भी आपका डेटा वेयर हाउस होगा उसके हेल्प से आप डेटा माइनिंग करेंगे, वो आपकी कहाँ का हेल्प करेगा, प्रेडिक्शन ऑफ कस्टमर बिहेवियर, किस टाइप का कस्टमर का बिहेवियर है, हर टाइप का कस्टमर का आपका डेटा, हर चीज़ होगी डेटा वेयर हाउस में, तो आप
उन सभी डेटास को एक तरह से उनका डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करके आप समझ सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट किस हाईली टारगेट मार्केट फोकस, किस मार्केट पे ज़्यादा हमें टारगेट करना चाहिए, कहाँ हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैक्सिमम ऑपरेशन एफिशिएंसी, हम अपने अपने एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकें। ये हम ये जो आपको 3-4 पॉइंट है ABCD, ये आपको बता रहे हैं कि डेटा माइनिंग क्यों करें, ऐसा क्या हमें प्रॉफिट होगा, बैंकों को क्या प्रॉफिट होगा कि डेटा वेयर हाउस, एक तो सारा डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको आप डेटा माइनिंग कर रहे हैं, उसमें जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको आप निकाल के देख रहे हैं क्या है वो। तो उन सबके ये 4 फायदे जो ABCD की फॉर्म में आपको दिए, कस्टमर बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा और किस मार्केट में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन सा आपका हाईली फोकस्ड हुआ मार्केट होना चाहिए, और अपनी ऑपरेशन जो आपकी एफिशिएंसी उसको आप कैसे बढ़ाएं, कैसे मैक्सिमाइज करें। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहाँ आप जो इन्वेस्ट करें कि आपको रिटर्न अच्छा मिले, तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन किसकी हेल्प से मिलेगा, डेटा माइनिंग की हेल्प से मिलेगा। सो वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस होना चाहिए, किसने बोला था, इसका एस्टेब्लिश जो होना चाहिए वासुदेवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐसा हुआ था। डेटा माइनिंग हम देख चुके हैं और प्रेडिक्टिव फ्यूचर ट्रेंड, जो भी हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम फ्यूचर ट्रेंड देख सके कि हाँ फ्यूचर में क्या सही है, कि हाँ आप इन्वेस्ट करें, किस टाइप के कस्टमर का मार्केट हम फोकस करें, तो ये सारा फ्यूचर आप ट्रेंड देखिए जो आपके डेटाज अवेलेबल है उसकी हेल्प से। और बैंक यानी कॉर्पोरेट वेबसाइट फॉर, सो इसमें यही बोल रहा है कि बैंक कैसे क्या ना एक कॉर्पोरेट वेबसाइट फॉर डिसमिनेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एडवाइस बैंक दे सकता है, ये चीज़ें कर सकता है, फाइनेंशियल एडवाइस की कहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करें, और सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, नॉन बैंकिंग जो एक्टिविटी उनको भी हाईलाइट करना। ठीक है, इंटरनेट का गेटवे और अकाउंट सर्विसेज, ये सब बैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी कंसिडरेशन, तो अभी तो हमने देख लिया कि इतना सारा फायदा है हमारे को कंप्यूटराइज होने से, बैंकों का बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इंप्रूव हुआ है, मतलब कम कॉस्ट पर बैंक अच्छे से अपनी सर्विसेज देता है, ATM उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो सिक्योरिटी भी उसमें देखनी है, क्योंकि अब इतना सारा कंप्यूटर सब हो गया, सारा डेटा कंप्यूटर में है, तो उसका सिक्योरिटी और इशू भी बहुत बना रहता है। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन, हमें अपना सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखना है, वरना सारा डेटा आपका, अब सिस्टम ही सब कुछ है इन शॉर्ट, तो अगर कभी हैक हो जाता है कोई भी सिस्टम तो सारा डेटा चला जाएगा। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर टिका हुआ है सब कुछ, जो भी हमारा सिस्टम है, लोगों का विश्वास भी। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन में क्या क्या है, ए टिपिकल कंप्यूटर इन्वायरमेंट कंसिडर 3 इंडिपेंडेंट बट सेपरेट कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो मेनली कंप्यूटर में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डेटा, ये 3 चीज़ आपके किसी भी सिस्टम पे होती है। सो द रिस्क लेट टू, तो रिस्क क्या क्या हो सकता है, वॉलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर किसी टाइप का रिस्क है तो क्या क्या हो सकता है, वॉलेशन ऑफ प्राइवेसी, कस्टमर की प्राइवेसी चली गई, और कंप्यूटर में फ्रॉड हो गया तो फाइनेंशियल लॉस हो गया ड्यू टू लॉस ऑफ डेटा, सो इंटरप्शन इन द एक्टिविटीज़ ड्यू टू, आपका जो डेटा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर का डेटा लॉस है तो आपकी एक्टिविटी पे आपको इंटरप्शन आ जाएगा, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपको बिजनेस पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर ऑडिटिंग, कंप्यूटर ऑडिटिंग क्यों की जाती है, इसका फायदा क्या, असेट सेफ गार्डिंग, कि सभी असेट्स सेफ है या नहीं है, जो डेटा की इंटीग्रिटी वो प्रजर्व, वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, मतलब जो डेटा इंटीग्रिटी वो बनी हुई है नहीं बनी है, अचीविंग सिस्टम एफिशिएंटली, आपका जो सिस्टम एफिशिएंटली है, काम है, कर रहा है या नहीं कर रहा। सो रिस्क प्रोन कंपोनेंट, सो इन कंप्यूटर सिस्टम, सो रिस्क प्रोन कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, किस टाइप का कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क हो सकता है, एरर या ओमिशन इन द डेटा सेट, कोई एरर हो गया या फिर कोई डेटा का आपने उसमें डाला नहीं, कोई ऑमिट हो गया डेटा। ठीक है, अनऑथराइज डिस्क्लोजर, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है जो कि अनऑथराइज के थ्रू और डिस्क्लोज कर देगी, वो भी एक रिस्क है। कंप्यूटर अब्यूज एंड मिस यूटिलाइजेशन, बैंक के जो असर से उसका गलत यूज़ किया गया। ठीक है, कंप्यूटर अब्यूज मतलब कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल किया गया। सो इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म, जो भी हमने ऊपर देखा उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट को रोक के, डिटेक्ट मतलब जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करना, क्या प्रॉब्लम है, करेक्टली उसको ठीक करते। तो स्कोप ऑफ सिस्टम ऑडिट, रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, तो जो भी हमारा कंप्लाइंस हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी हमारे ये जो कंट्रोल मेजर्स की कैसे, और जो भी हमारा सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो कंप्लाइंस हो रहा नहीं हो रहा, उसका रिव्यू करना। सिस्टम ऑडिट मतलब जानना कि जो भी सिस्टम सेफ्टी के रिलेटेड जो भी ऑडिट किया जाएगा, जाना जाएगा कि वो कंप्लाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोसेसर कंट्रोल का रिव्यू करना, इंटीग्रिटी का रिव्यू करना, और ऑडिटोरियल इज ए क्रॉनिकल रिकॉर्ड ऑफ जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं किसी सिस्टम में, तो उन सबका रिकॉर्ड रखना। सो लीगल फ्रेमवर्क, जो भी इलेक्ट्रॉनिक टास्क होते हैं उसके थ्रू लीगल फ्रेमवर्क क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड थे उनको लीगली बोला गया कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी, और जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उनको भी वो पूरी लीगल मान्यता दी गई। तो ये सारे वो हमारे एक्ट्स हैं, इंडियन पेनल कोड्स एक्ट और 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891, और RBI एक्ट 1935, ये सारे वो एक्ट हैं। ठीक है, लीगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट के थ्रू ये सब हमारे एक्ट बने थे। तो ठीक है, इसके साथ आपका मॉड्यूल सी भी फिनिश हुआ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको सब करवा दिया, और मॉड्यूल डी मार्केटिंग है, ये आपको मैं अगले ही पार्ट मॉड्यूल डी वाले पार्ट में कराती हूँ। ठीक है, तब तक आप सबका प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।